हेलो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ थाली की रेसिपी शेयर की है और ये हरी भरी सी थाली बहुत ही हेल्दी है खाने में। इसमें मैंने आलू और हींग का सादा रस्सा बनाया है, दही और भिंडी की सब्जी है, साथ में जीरा राइस है और थोड़ा सा सलाद मैंने काटा है, खीरा और प्याज है। इसके अलावा धनिया नींबू की चटनी है और रोटी और पराठे की जगह मैंने आज पालक के पराठे बनाए हैं। तो ये हेल्दी सी थाली मैंने कैसे बनाई, इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखें और एक बार अपने घर में भी बनाएं और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी को मैंने धो के पोंछ लिया है और प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया और दही है, क्योंकि दही वाली भिंडी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले सरसों के तेल को पैन में डालेंगे 2 चम्मच और भिंडी को मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। इसको हम नमक डाल के अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बहुत धीमा ना रखें, मैंने मीडियम टू हाई रखा है और इस तरह से हम भिंडी को गुलाबी होने तक भून लेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है और इसमें जो थोड़ा सा ऑयल बचा है, सरसों का तेल जो हमारा है, तो उसमें ही हम तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए उसी पैन में थोड़ा सा जीरा डालें और एक हरी मिर्ची या लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दें। लहसुन और प्याज को मैंने काट लिया था, तो लहसुन है और इसको सौते करने के बाद हम प्याज को डाल के भूनेंगे। गैस का फ्लेम धीमा कर दें और जब तक प्याज भुन रहा है हम दही में सारे मसालों को मिला लेते हैं। तो दही में मैंने सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच जीरा डाला है और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है और 1 चम्मच के करीब ही मैंने किचन किंग यूज़ किया है, आप चाहें तो गरम मसाला ले लें, और थोड़ा सा नमक, बस दही के इतना, और इसको मिक्स कर लें। हमारे प्याज अब भुन गए हैं और प्याज को मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटा है, क्योंकि बाइट में आता है प्याज तो अच्छा लगता है। तो जब प्याज भुन जाए तो हम उसमें ये मसाले वाली दही डाल देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक दही और प्याज पक रहा है हम दूसरी सब्जी भी बना लेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही आलू को उबाल लिया था और तड़का हम देसी घी का लगाएंगे। तो एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब देसी घी डालते हैं और आलू को मैश कर लें थोड़ा पानी डाल के। तो तड़का के लिए हम लाल मिर्ची डालेंगे, तेज़पत्ता और हींग को मैंने कूट के डाल दिया है, साथ में जीरा है और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाल देंगे। तो जैसे ही तड़का हो जाएगा आलू को हम डाल देते हैं और ये थोड़ी गीली सब्जी रहती है तो इसमें पानी हम और डालेंगे। और खटाई के लिए इमली का गूदा थोड़ा सा निकाल के रखा था मैंने, तो इमली का रस डाल दें, बहुत थोड़ा सा ही पड़ेगा। तो ये पतला था इसलिए मैंने 1 कलछी के करीब डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी दही भी अभी पड़ती है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें और 2 बड़े चम्मच के करीब दही भी डाल दें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है सब्जी में। तो इसको हम पकने देंगे। जब तक रस्सा पक रहा है तब तक भिंडी वाली सब्जी भी हमारी हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें केवल रोटी और पराठे ही करने होंगे। दूसरे साइड में मैंने जीरा राइस को भी पकने के लिए रख दिया था, तो जीरा राइस की रेसिपी आज मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, बाद में शेयर करूँगी। रस्सा रेडी हो गया है और दही और प्याज भी पक गए हैं, तो इस टाइम में हम इसमें भिंडी मिला देते हैं। और कुछ नहीं करना होता है, बस भिंडी मिलानी होती है, सब्जी रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से रगड़ के डाल दें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। और भिंडी की सब्जी भी रेडी है, साथ में आलू और हींग का रस्सा भी रेडी है। तो अब हम आटा की तैयारी करते हैं।
पालक को मैंने अच्छे से धो लिया था और जीरा और अदरक डाल के पीस लिए हैं। इसमें थोड़ी सी हींग डाल दें और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची और एकदम चुटकी भर मेथी दाना। तो ये सब चीज़ों को डाल के जब हम पालक पीसेंगे तो हमारी रोटी या पूरी बहुत ही सूंधी अच्छी बनेगी। और उसको पीस लें। आटा 2 कप लेंगे, उसमें 2-3 चम्मच हम बेसन और थोड़ा सा नमक डालेंगे और हमारी जो पालक की प्यूरी बनी है उसको हम डाल के आटा मल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही इसको डालें, आटा गीला नहीं होना चाहिए। तो उतना जितना मैंने पानी डाला था उतने में आटा मर गया है और इसको हम ढक देंगे। जीरा राइस भी पक गया है और आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इसको बनाया था। चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। और सेम आटे से आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं। मैंने तिकोने वाले पराठे बनाए हैं जिसमें कि हम देसी घी का परत लगाते हैं और अंदर से ये बिल्कुल परतदार और बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसमें देसी घी लगाएंगे और थोड़ा सूखा आटा छिड़क के फिर से हम इसको एक बार चिपका देते हैं। जीरा राइस मैंने जिस पे चढ़ाया था तवा, वो तवा बिल्कुल गर्म है और उसी तवे पर अब हम पराठों को सेक लेंगे। मेरे घर में चावल और जीरा राइस तवे पर दम देके बनाया जाता है और ये बहुत खिला खिला बनता है। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। पराठे में थोड़ा देसी घी लगा के हम दोनों तरफ से पराठे को सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है और दोनों तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेक लेंगे। देसी घी में पराठे बनाने से थोड़ा धुआं अधिक उठता है लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है पराठे का। और आप इसको तोड़ के भी देखिए, अंदर से ये बिल्कुल लच्छेदार बनी है। तो चलिए अब हम थाली लगाते हैं। सबसे पहले हम हींग आलू की सब्जी रखेंगे, फिर दही और भिंडी, जीरा राइस और थोड़ा सा सलाद मैंने काटा है, सलाद है, धनिया नींबू की चटनी और हमारे पराठे जो हमने बनाए हैं। धनिया नींबू की चटनी आपको अगर देखनी हो रेसिपी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।